गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू GRS टेक्निकल। तो कैसे हो आप सब। और आज की इस वीडियो में हम लोग कवर अप करने वाले हैं लेटर टू दी एडिटर जो है ये आप लोगों के राइटिंग सेक्शन में क्लास 8 से लेकर के क्लास 12 बोर्ड तक आपसे पूछा जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी होता है। ठीक है, सो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर अप करने वाले हैं लेटर टू दी एडिटर। तो प्लीज़ आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, सो जब भी हम लेटर टू दी एडिटर लिखेंगे, सबसे पहले हमको अपना एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना होता है। अपना एड्रेस बोले तो सेंडर का एड्रेस। अब सेंडर कौन हुआ, तो आप खुद हुए। जैसे कि कभी क्वेश्चन में रहता है, यू आर तरुण और तरुणा, यू आर लिविंग इन अ इंदिरापुरम कॉलोनी लखनऊ, राइट अ लेटर टू दी एडिटर ऑन दिस टॉपिक। तो आपका अगर बॉय होगे तो आपका नाम बॉय में होगा, अगर आप गर्ल हैं तो आपका नाम गर्ल में आएगा। सो यहाँ पे आपको सेंडर एड्रेस लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हम सेंडर्स एड्रेस में जो भी आपका लिखा हुआ है वो आप सेंडर्स एड्रेस में यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे एक लाइन लीव करना है। एक लाइन लीव कर देने के बाद आज का जो भी करंट डेट है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। जैसे कि सपोज आज 3 सितंबर 2022 है, तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे 3rd September 2022। और कभी भी हम जब डेट लिखेंगे इसी तरीके से हम लिखेंगे, कभी भी डेट जो है हमको इस तरीके से नहीं लिखना होता है। बहुत लोग इस तरीके से भी डेट लिखते हैं तो ये एक रॉन्ग फॉर्मेट है। ठीक है, डेट जैसे लिखा हुआ है 3rd September 2022, उसी तरीके से आपको जो भी करेंट डेट है वो मेंशन कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक लाइन वापस से लीव करना है। मैं यहाँ पे एरो ड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको लाइन को लीव करना है, आपको वहाँ पे एरो बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम यहाँ पे रिसीवर्स का एड्रेस यहाँ पे मेंशन करेंगे। अब रिसीवर कौन हुआ, तो रिसीवर हमारे एडिटर हुए। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे दी एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया पटना सिटी पटना। अब आप दिल्ली में रहते हो तो आप लिखोगे दी एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया दिल्ली न्यू दिल्ली और जो भी पिन कोड है वो। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे वापस एक लाइन लीव करना है। एक लाइन लीव कर देने के बाद आपका जो भी सब्जेक्ट है जिस वजह से आप इस लेटर टू दी एडिटर को अटेम्प्ट कर रहे हो, तो वो आपको यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन कर देना है। जैसे कि यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो हमारा हो जाएगा इंक्रीज ऑफ एयर पॉल्यूशन इन द ईस्ट इंडिया। ठीक है, ईस्ट पटना, तो हम लिख देंगे इंक्रीज ऑफ एयर पॉल्यूशन इन ईस्ट इंडिया, ईस्ट पटना। उसके बाद फिर आपको एक लाइन यहाँ पे वापस लीव कर देना है। जब भी यहाँ पे आप एक लाइन लीव कर देते हैं उसके बाद यहाँ पे आपको मेंशन करना है आपका जो भी सैल्यूटेशन है वो। अब सैल्यूटेशन क्या होता है, रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड मैम, ये जो चीज़ है वो लेटर में हम उसको सैल्यूटेशन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है हमारा मेन बॉडी जो लेटर टू दी एडिटर का है वो स्टार्ट हो जाता है। तो किस तरीके से स्टार्ट करेंगे हम लिखेंगे आई एम अनुष्का सिन्हा। तो मेरा जो नाम है वो अनुष्का सिन्हा है। आपका जो भी कोई नाम है तो आप यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हैं। और अगर आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपका नाम तरुण है, तरुणा है, तो अगर आप बॉय हैं तो आप लिखेंगे कि आई एम तरुण, अगर आप गर्ल हैं तो आप लिखेंगी आई एम तरुणा। ठीक है, उसके बाद आई एम तरुण, आई एम तरुणा अ मेंबर ऑफ NGO पाक्षी, आई एम राइटिंग टू यू टू ब्रिंग आउट टू योर नोटिस द इंक्रीजिंग इफेक्ट ऑफ द एयर पॉल्यूशन इन आवर एरिया एंड इन आवर नेबरहुड। यानी कि हमारे आसपास के इलाकों में किस तरीके से जो है वायु प्रदूषण बढ़ गया है, एयर पॉल्यूशन बढ़ गया है, इस वजह से हम इस लेटर को अटेम्प्ट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हम पैराग्राफ को चेंज करेंगे। पैराग्राफ को चेंज करने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे ईस्ट पटना हैज़ बीन अ रैपिड इंक्रीज इन द यूज़ ऑफ द प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन एंड द नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर दैट हैव कम अप इन द रीसेंट ईयर्स। दिस हैज़ इंक्रीज द रिस्क ऑफ द सीरियस हेल्थ हजार्ड्स इंक्लूडिंग ब्रीदिंग डिफिकल्टी, क्रॉनिक डिजीजेज, लंग डैमेज, नोसिया, फैटीक एटसेट्रा। यानी कि पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि हमारे एरिया में जो प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन है, जैसे कि ऑटो हो गया, रिक्शा हो गया, फिर बस हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, तो ये सारे जो वाहन हैं वो उसका जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुआ है। और हमारे एरिया में काफ़ी सारे जो कंपनी हैं, काफ़ी सारी जो फैक्ट्रीज़ हैं, उसके वजह से भी एयर पॉल्यूशन हो रहा है और जिसके कारण काफ़ी सीरियस बीमारी जैसे कि लंग डैमेज, सांस लेने में प्रॉब्लम, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो जो बिल्कुल सही चीज़ है आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर आप लिखेंगे द हॉस्पिटल्स अराउंड द एरिया हैव ऑलरेडी सीन एन अनएक्सपेक्टेड राइज इन नंबर ऑफ द पेशेंट शोइंग सिम्टम्स ऑफ द क्रॉनिक इलनेस एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट पीपल एंड द गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ आर मेड अवेयर ऑफ दिस डेंजरस सिचुएशन एट द अर्लीस्ट। यानी कि ये सारी जो बीमारी है इसके लिए गवर्नमेंट अथॉरिटी को
और लोगों को, दोनों को साथ मिल करके काम करना होगा, नहीं तो सिचुएशन जब आएगा तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाएगी। लोगों को जल्दी से जल्दी इसके बारे में बात करना चाहिए, अवेयर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे, ओनिंग टू द सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली हाईलाइट द इशू सो दैट सम एक्शन कैन बी टेकन। यानी कि मेरा ये आपसे विनम्र आग्रह है कि आप इस लेटर को सीरियसली लेंगे और इस सारे इशू को अपने न्यूज़पेपर में छापेंगे, पब्लिश करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को लेकर के आपस में बात करें, जागरूक हों और कोई एक अच्छा कदम उठाए जिससे कि हम लोगों को इस चीज़ से बचाव हो सके, है ना। उसके बाद हम लिखेंगे, kindly highlight the issue so that some action can be taken to curb the effect of air pollution and decrease the risk of people being affected by it। वही चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो बॉडी है लेटर का वो ख़त्म हो जाता है, तो यहाँ पे हम एक लाइन लीव करेंगे। एक लाइन लीव कर देने के बाद लेफ्ट साइड में हम लिखेंगे, थैंकिंग यू योर सिंसियरली, अपना सिग्नेचर, अपना पूरा नाम और मेंबर ऑफ एनजीओ, जो भी आपका लेटर में लिखा हुआ है एनजीओ का नाम वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया है लेटर टू द एडिटर। अगले वीडियो में हम लोग और किसी नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, मेरी ये एफर्ट पसंद आई हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।